आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। और सलाम है मेरी माताओं बहनों को, और सलाम है मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, जिन्होंने आज ये दिखा दिया कि जब भारत के अंदर धर्म के ऊपर राजनीति हो रही थी, जब भारत के अंदर भारत की ही चीजें पूंजीपतियों के हाथों में बेची जा रही थी, तो हम लोग धरने पर बैठे थे और जिंदा होने की अपना सबूत दे रहे थे कि हम जिंदा हैं और विरोध कर रहे थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों व नौजवान साथियों, मैं मेरी माताओं बहनों, जिस माता का नाम लेकर, जिस गौ माता का नाम लेकर ये सरकार सत्ता में आई, आज उसी माता का खाना पीना बंद करने के लिए, उसके चारे को बंद करने के लिए सरकार ने नए नए टेंडर शुरू कर दिए हैं। आज कहीं भी देख लो, आज गौ माता का यह हाल है कि बड़े से बड़ी जो कंपनियां हैं, जो बीफ की कंपनियां हैं, वो इन पूंजीपतियों की, बीजेपी सरकार की है। ये उस कारोबार से लाखों करोड़ रुपए, अरबों रुपए कमाते हैं और हमारे अंदर भ्रम फैलाते हैं कि ये हमारी माता आज ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। और आज ही, आज जिस टेंडर से, जिस राखी से उन गौ माताओं का पेट भरता था, आज वो टेंडर करवा के ये सरकार उनके मुंह का निवाला छीनना चाहती है। बहुत से वक्ताओं ने बहुत जीत बताई कि आज देश के जो हालात है वो इस तरीके से करते जा रहे हैं कि एक दूसरे से धर्म के नाम पर लड़ाई जाए। और जो मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, खाने का, पीने का, वो सारी चीजें, उनसे हमारा ध्यान भटक जाए। सबसे पहले ईश्वर भाई ने बताया कि नमक का रेट सबसे महंगा है। नमक का रेट नहीं, हमारी गेहूं जो 20 रुपए किलो लेकर, उसका आधा किलो का आटा पतंजलि का जो है पैकेट, आधा किलो पैकेट के अंदर पैक करके 60 रुपए का बेचा जाता है। गेहूं हमारी, पैदा करने वाले हम, हमारे से 20 रुपए का लेकर और आधा किलो का रेट जो है 50 रुपए का, 50 से 60 रुपए का लिया जा रहा है। सिर्फ क्या है, पैकेट में बंद करके कंपनियों के मजदूरी। आज मीडिया, जो पत्रकार है, न्यूज चैनल है, घंटों तक उनके ऊपर बहस होती है धर्म के नाम पर, लेकिन कभी वो लोग किसी भी रोजगार पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसी आम आदमी को लेकर, किसी किसान पर, किसी मजदूर पर, उन पर एक मिनट के लिए बोलने को तैयार नहीं। वो बोलने का उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो लोग उनको देखे उनका माइंड वॉश हो। एक बात हम, हमारे ऊपर कोई आदमी हमें एक बार बताएगा, दो बार बताएगा, बार बार हम उन चीजों को देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मीडिया वाले जो बता रहे हैं वो सही है। मेरे दोस्तों, आज ये देश इस तरीके से जकड़ा जा रहा है इस सरकार के अंदर। ये सरकार हमारे किसान मजदूर भाइयों को बेचने को तैयार है, उनका खून निकालने के ऊपर तुली हुई है। जब ये सत्ता में आई थी बड़ी बड़ी बात करने के लिए इस सरकार ने, और जो बहन जी ने बताया कि फार्म भर दो, मैंने भी गुस्से के अंदर अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर टर्मिनेट कर दिया था। मेरे को 7 महीने के लिए, मैंने ये इलेक्शन इसलिए लड़ा था कि ठीक है, हम इन कुत्तों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने जब भी हमारे वोट की जरूरत हुई, हमारे वोट की अहमियत नहीं सोची, जब भी जरूरत हुई प्यार बात करी मिठाई के अंदर, चौपाल के अंदर इकट्ठे करे, अपना झंडा पकड़ा दिया। सबसे पहले उन्होंने हमारे बुजुर्गों को पकड़ाया झंडा, उसके बाद हमारे को पकड़ाया। लेकिन जब हमने समझ में आई कि अब हम इनका झंडा नहीं थामेंगे, या तो इलेक्शन खुद लड़ेंगे या नहीं किसी को लड़ाएंगे, लेकिन जीतेगा कौन, किसान और मजदूर को, जो जनता की हक की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो। मेरे दोस्तों, जब हम इलेक्शन के अंदर उतरे, आपको मैं बताना नहीं चाहता था, आज ही आपको मैं सबके सामने बताना चाह रहा था, धमकियां मिलने लगी, तुम जूते का और चप्पल का कॉम्बिनेशन हो गया, हर रोज हेडलाइन छपती थी कि जूते को लेकर सलीम ये बोला, जूते को लेकर दुष्यंत ये बोला, लेकिन उसके अंदर हमने कभी उसको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं करी। बार बार कह जाता था कि आपके वोट से मेरे वोट खराब हो रहे हैं। मैंने अशोक मीणा जी डीसी होते थे हिसार में, हमारी वहां पर मीटिंग हुई, वहां उन्होंने कहा कि आप जूते का निशान वापसी ले लो, बोल तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे को चाहिए हमारा मान सम्मान, हमारे किसान मजदूर की आवाज जो आप में नहीं है। उस गुस्से से लाल पीला होकर वो वहां से चला गया, लेकिन मैंने
मैं आज भी आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि डरो सिर्फ अपने घर वालों से, अपने हक की लड़ाई के लिए कभी डरने की जरूरत नहीं है। और आज आपका ये रवैया, आपके इस सारी चीजों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और जहां भी हमारे संगठन की जरूरत होगी, मैं मेरी माताओं बहनों को इतने संख्या में देखकर, और ये काला दिवस जो मनाया गया है, इन सरकार को डूब मरना चाहिए। इस सरकार के अंदर जिस नारी का मान सम्मान होना चाहिए, जिस मान सम्मान को लेकर ढिंडोरा पीटते हैं, आज हमारी माता बहनें रोड के ऊपर बैठी है, उसका जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं धरने से नहीं, हमें एक लंबा निर्णय लेकर, एक अच्छा निर्णय लेकर और एक सही डिसीजन में जाकर हमें इनका खिलाफत के लिए एकजुट होकर इनके विरोध करना पड़ेगा। और भी बहुत वक्ता है और आपने मुझे टाइम दिया, उस चीज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।